नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS नॉलेज हम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज हम कोरोना वायरस का एक पंचनामा करेंगे। कोरोना वायरस के इतिहास भूगोल यानी कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो में आज की ऐसी जटिल समस्या है, यानी विकट परिस्थिति आपका सामना करना पड़ रहा है एक कोरोना वायरस की वजह से। तो इस कोरोना वायरस का क्या इतिहास है, कहाँ से ये आया, क्या इसके जितने भी प्रभाव, लक्षण, उपचार, सारी बातों का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कृपया लास्ट तक बने रहिए। और इस कोरोना वायरस के जितना भी अब तक का जो 3-4 महीने का जब तक चल रहा है, उसके बीच में कुछ हमारी परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न भी बन रहे हैं जो कि परीक्षाओं में आने संभव हैं। तो उन परीक्षाओं का जो प्रश्नों का सेट भी मैंने इसमें तैयार किया हुआ है। और एक प्रश्न मैं आपसे इस वीडियो के अंत में पूछूंगा, उसका आपको मुझे कमेंट में जवाब भी देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता सकता हूँ आपको कि आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में MS नॉलेज हब टाइप करके MS नॉलेज हब सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसका बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम समय समय पर जो है महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहते हैं जिससे कि आपके ज्ञान वृद्धि होती है। और आज का समय तो ऐसा है कि आपको घर में बिताना है, तो हमारे चैनल की जितनी वीडियो हैं लगातार देखते रहिए जिससे कि आपका समय भी का सदुपयोग हो सकेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी। दोस्तों जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। देखिए कोरोना वायरस जो है ये लातिन भाषा का एक शब्द है कोरोना, इसका अर्थ होता है मुकुट। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं ये एक तरीके का मुकुट होता है। और इस वायरस के जो कारण होते हैं वो इसके चारों तरफ इस तरीके से ये इसकी संरचना होती है जिसका देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुकुट इसने पहना हुआ। तो इसी को बेस बना करके इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया था। अब इसको जो सबसे पहले देखा गया है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसका आकार देखा गया है। अब हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ और रोचक जानकारी। देखिए ये एक प्रकार का विषाणुओं का एक समूह है। कोरोना वायरस अपने आप में एक समूह है जिसमें कई सारे वायरस और भी इसके प्रकार वायरस हैं। और ये स्तनधारी और पक्षियों के रोगों के कारण आता है। और ये RNA वायरस है, यानी कि हमारे जो वायरस विषाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक RNA और एक DNA संरचना वाला। ये RNA संरचना वाला एक है और मानव में स्वास्थ्य तंत्र को जो हमारे सांस लेने वाला जो तंत्र है उसको खत्म कर रहा है, यानी कि उस पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। अधिकांश रूप से हमारे मध्यम गहनता, लेकिन कहीं कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। मतलब अधिकांश रूप से तो इतना वो नहीं है, मगर अधिक इसके प्रसार से तो इसकी जान भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि गाय और सुअर और अतिसार मुर्गियों थी और कुछ चमगादड़, उनके द्वारा इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस हुए हैं। और इसकी रोकथाम के लिए टीका या वैक्सीन अभी कोई उपलब्ध नहीं है। उपचार के लिए इसमें जो बस केवल आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी अच्छी है तो आप इससे लड़ सकते हैं और आप इससे स्वस्थ ही रिकवर कर सकते हैं। अब मैं इसका बताता हूँ इतिहास। देखिए विषाणु वर्गीकरण यानी कि जो कोरोना वायरस है ये इसका जो ग्रुप है ये जो 5 ग्रुप में आता है। और ये वायरस है, वायरस में जिसका जगत है वो राइबोविरिया है। राइबोविरिया में इसका जो संघ अब अनिश्चित है, इसको निश्चित नहीं करा गया है। और जो गण है इसका वो है निडोवारिलिस। अब इसमें कुल जो है इसे किस कुल से बिलोंग करता है तो वो है कोरोनाविडाए। अब इसमें उपकुल जो है ऑर्थोकोरोनाविडाए है बिना है। अब वंश इसके जो 5-4 वंश दिए गए हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। तो हमारा जो इस समय जो वर्तमान में वायरस परेशान कर रहा है, इस समय जिसने पूरा लॉकडाउन कर रखा कंट्री को, ये जो हमारा कैटेगरी आती है अल्फा कोरोना वायरस। तो अल्फा कोरोना वायरस में क्या होता है, देखो अल्फा कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस कुल के कुल समूह हैं इसमें जीव वैज्ञानिक वंशों में से एक है। इसके जो बीज वैज्ञानिक वंश हैं कोरोना वायरस के, कोरोना वायरस अपने आप में बहुत बड़ा एक वंश है, यानी कि इसमें कई सारे वायरस हैं जो पहले भी पाए गए, SARS पाया गया था उससे पहले 2003 में 2 में, अब ये इस समय आया है। तो अल्फा कोरोना वायरस और बेटा कोरोना वायरस के मूल रूप में जो चमगादड़ के संक्रमण से ज़्यादा फैलने के इसके अनुमान लगाए गए हैं कि ये उनके वंशज हैं जो मानव के स्तनधारियों में भी फैल जाते हैं। SARS कोरोना वायरस एक विषाणु है, ये स्वतंत्र जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। और SARS कोरोना वायरस जो होता है ये जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों को बढ़ाता है। अभी आपने इससे पहले जो इस कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, जो आजकल की जो कुछ नोटबुक हैं लुसेंट और कुछ एक दो बुक जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि इसका इलाज वो पहले 2002-3 में ये वायरस आया था एक बार दक्षिणी चीन से।
तो उसका सॉर्स इसका नाम रख दिया गया था सार्स, और इसमें जो है उस समय भी 8,273 लोग संक्रमित हुए थे और 775 लोगों की मृत्यु कर हो गई थी। इसमें अधिकांश संख्या हांगकांग के आसपास ही थी। यह वायरस भी जानवर से आया था, ज़्यादातर लोग चीन शहर के केंद्र में स्थित शील्ड फूड मार्केट से खरीदारी करते थे। वहाँ का मार्केट जो होता है उस मार्केट में ये जो जिंदे जानवर को काट के खाने का इस तरीके का बहुत ज़्यादा जो मतलब अजीब अजीब तरीके के वो जानवर खाते हैं, चाहे चमगादड़ हो चाहे मछलियाँ हो किसी भी प्रकार के वो उनका उसी से चमगादड़ से माना गया है इसका ज़्यादा वो है फैला है, क्योंकि इस बाज़ार में चमगादड़ भी खाए जाते थे और इस वायरस को चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से अनुवांशिक समानताएं मिलती हैं। अर्थात जो इसका जेनेटिक सिस्टम है वायरस का उसमें चमगादड़ के जीन्स पाए जाते हैं और ये अब ये जियोनो वायरस बन गया है। जियोनो वायरस यानी कि अब ये जो एक वायरस को जो जानवरों से या पेड़ पौधों से जो मनुष्य में आ जाता है तो वो जियोनो वायरस हो जाता है, यानी कि उसने स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया अपने अंदर का कि वो मनुष्य के जो जेनेटिक सिस्टम है उसको प्रभावित करने लगा है। अब जो हमारा ये कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, हमारा तो नहीं है मगर इस समय जो चल रहा है काफ़ी दिक्कत दे रहा है। इसमें 2019 में ही आया था नवंबर में, तो नोवल कोरोना वायरस इसका नाम क्यों रखा है ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें। तो नोवल कोरोना वायरस जो है NCOV को वुहान कोरोना वायरस से भी जाना जाता है। वुहान कोरोना वायरस जो नाम दिया है ये अमेरिका ने दिया है खासतौर पर, क्योंकि अमेरिका कहता है कि चाइना का वायरस है तो नाम भी वुहान के नाम से इसका रख दिया गया है। संक्रमण रोग फैलाने वाला कोरोना वायरस प्रकार का विषाणु है जो स्वतंत्र जो हमारे श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है और मानव से मानव में फैल देता है। इसकी पहचान सर्वप्रथम 2019 में वुहान में चीन में करी गई थी, जहां पर 2019-20 में वुहान कोरोना वायरस प्रकोप का कारक भी बना। अब जो इसका सरकार जो WHO ने इसका जो ऑफिशियल नेम रखा है वो SARS-CoV-2 रख दिया है। SARS-CoV-1 एक बार पहला आया था वह 2002-2003 में आया था, उसी से सिमिलरिटीज इस वायरस की है इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, वो जेनेटिक सिस्टम है इसका, एक प्रोटीन का बना हुआ और उसके ऊपर एक जो है कोरोना टाइप का एक मुकुट सा लगा हुआ है, ये आप दिखाया था मैंने अभी जिस तरीके से इसका जेनेटिक सिस्टम है और ये प्रोटीन का एक कवर बना हुआ है। अब हम बताते हैं लक्षण जो इस कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। तो देखो पीड़ित व्यक्ति के जो इसके अभी जो शुरुआती लक्षण हैं वो बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और 4-5 दिन बाद इसमें दस्त होने के संकेत ही मिलते हैं और मामूली से बहुत गंभीर तक ये मामले पाए जाते हैं। गंभीर संक्रमण के मामलों परिणाम तो नमोनिया या गुर्दे विफल हो जाना यानी कि किडनी फेल हो जाती है, उसके बाद मृत्यु भी हो सकती है या हो रही हैं। और कोरोना कोविड जो 90 से नाम दिया गया है इसके जो लक्षण हैं वो सबसे शुरू में सिर में दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी और मांसपेशियों में दर्द और बुखार और थकान, ये संक्रमण के इसके इसके पहले वो होते हैं शुरुआती लक्षण। ये अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण किसी में अंदर पाया तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उसके बाद कोरोना वायरस से पर जो परीक्षा में बनने वाले जो प्रश्न हैं ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है, अर्थात जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं ऐसा ना सोचे कि लॉकडाउन हो चुकी है कंट्री तो कभी इसका लॉक खुलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। आपके पास समय है, अवसर है, अपने पास जितने भी साधन हैं आपके पास चाहे यूट्यूब से या आप जो भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अब समय का लाभ उठाएं। ऐसा ना कि घर पर आप हाथ पाथ रख के बैठे, बहुत सारे आप कार्य कर सकते हैं घर पर, खासकर हमारी वीडियो देखते रहें उनसे आपको ज्ञान वृद्धि होती रहेगी। सबसे पहला है कोरोना वायरस 2019 का सबसे पहला केस कहां पर सामने आया, तो जी हां चीन में वुहान के युआनान से आया था। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है, तो कोरोना वायरस के जो संक्रमण की वजह है वहां सी फूड आते हैं, सी फूड समुद्र से प्राप्त होने वाले जो फूड होते हैं वो मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों और चमगादड़ों सांपों की जो मिक्स इनका जो जेनेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं मिक्स हुआ है उसी वजह से ये जो है संक्रमण आया है, यानी कि इन्हीं जानवरों में से इन्हीं पशु पक्षियों में से जो संक्रमण आने की संभावना मानी जा रही है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो देखिए 30-35 डिग्री पर हो जाता है, मगर WHO ने इस बात को भी नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि अब जो अपडेटेड कोरोना वायरस है वो 30-35 डिग्री तक भी जिंदा रह सकता है। अर्थात हम अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा खा रहे हैं जैसे मीट खाता है कोई चिकन वगैरह तो 75 से ऊपर के डिग्री पर अगर तुम्हारा कोई भी चीज़ बनी हुई है तो संक्रमण से फ्री हो सकती है, अर्थात 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही इसका प्रभाव खत्म होता है। 30-37 अब इसे नहीं कह सकते क्योंकि WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें साफ कहा था कि जो ये हॉट और क्लाइमेट जो हो रही है हॉट क्लाइमेट में भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है वायरस।
तो कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है। तो देखिए, ये मनुष्यों में फैलने के इसका एक ही कारण है, खांसने छींकने से। आपके 1.48 मीटर दायरे तक आपके वो कर सकता है, तो कम से कम 1.5 मीटर का लोगों को चपेट में ले लेता है। तो आदमी को कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी हमें बनाए रखनी चाहिए, लगभग 2 मीटर की दूरी अगर कोई छींकता है खांसता है तो। कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए कोरोना वायरस की पहचान करी गई थी। मैं इसका बताता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिया गया चित्र कैसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है कोरोना वायरस का। आप देख पा रहे हैं इस वायरस के चारों तरफ ये इसके बने हुए हैं, तो इस तरीके से ही दिखता है वैसे। और उसके बाद जो एनिमेशन का बाद में इस तरीके रंगीन पिक्चर इसकी बना दी गई है। रंगीन ऐसा होता नहीं है, बस ये जिस तरीके का दिखता है सूक्ष्मदर्शी में, उसके बाद ये जो एनिमेशन के थ्रू इसकी जो और भी इमेजेस बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पर पड़ता है? तो ये श्वसन तंत्र में पड़ता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह एक आरएनए वायरस है। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है। और WHO द्वारा जो कोरोना वायरस का को क्या नाम दिया गया है? तो इसका COVID-19 का नाम दिया गया है। और कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो देखो, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के नमोनिया, खांसी, बुखार और जुकाम और किडनी फेल हो सकती हैं, ये प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। उसके बाद है, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक होता है? तो ये सर्दी के मौसम से अत्यधिक प्रभावी होते हैं, जो कि हमारा अभी तो आने वाला है, अभी तो नहीं आया है, अभी तो हो सकता है हम इस पर काबू कर लें पहले ही। तो कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन कौन से हैं? तो देखो, दो मुख्य वायरस हैं वो तो एक है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS-CoV, एक है इसका सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CARS-CoV। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया? जी हाँ, ये मैंने बताया था आपको। तो देखो, ये जो नोवल कोरोना वायरस परिवार का एक नया सदस्य है, इसलिए इसका आगे नोवल रख दिया था। फिलहाल अब इसमें नोवल हटा दिया गया, अब इसका SARS-CoV-2 है इसका नाम। अब इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ एक मुकुट जैसी संरचना होती है, जिसके इर्द गिर्द कुछ कांटे हुए होते हैं, इस कारण से ही इसका कोरोना लिया गया है। और कोरोना सूर्य के चारों तरफ का भी जो भाग होता है, इसमें से प्रकाश किरण निकलती हैं, उसे भी कोरोना बोल देते हैं। उस तरीके से मिलती जुलती संरचना इसकी है, तो इसके लिए नाम इसका कोरोना रख दिया गया। तो देखिए, कोरोना वायरस से कुछ 3 ये जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपने हाथ धोते रहें समय समय पर, खांसते समय या टिश्यू का इस्तेमाल करें, अपने हाथ पे अपने चेहरों को न छुएं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके हाथ संक्रमित हो सकते हैं, तो बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को ना छुएं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इसे फैलाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो देखो, बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अगर हो तो आप इसे, और खांसते समय से टिश्यू का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के टिश्यू को फेंक दें, अपने हाथ को फिर उसे धोएं। ये जो कुछ इसके ऐसे आप लगातार जो सरकार की गाइडलाइन से पढ़ते आ रहे हो, जहाँ तहाँ से जितने भी ऑर्गेनाइज संगठन हैं सब आपको इससे अवगत करा रहे हैं, तो इन चीज़ों का विषय ध्यान रखें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है, तो आप बाजू वाले का इस्तेमाल कर, अपने बाजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात अगर छींक आ रही है, तो अगर पास टिश्यू नहीं है, तो आप किसी अपने हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाथ बिना धोए अपनी आँख ना छुएं और बीमार व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें। ये देखो, ये तो हमारी जानकारी थी अब तक की। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि इसके वायरस के प्रभाव से अब तक कितने पेशेंट्स पूरी दुनिया में अब तक गंभीर रूप से संक्रमित हैं और कितने डेथ हो चुकी हैं, और क्या इस टाइम भारत की स्थिति है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप इस प्रश्न का जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको ये बताना है कि भारत में कोरोना वायरस से जो संक्रमित हुए व्यक्ति की, जो संक्रमित हुआ व्यक्ति और उसकी मृत्यु हुई है, यानी कि पहला ऐसा कौन सा केस है, क्या नाम उन व्यक्ति का जो भारत में कोरोना वायरस से मरे हैं, यानी कि मृत्यु उनके कोरोना वायरस के कारण हुई। भारत में अब तक 10 मृत्यु हो चुकी हैं, तो जो पहले नंबर पर जो भारत की पहली मृत्यु हुई है, वो उनका क्या नाम है, तो ये आपको बताना है। ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दिए। जी हाँ, देखिए, कोरोना वायरस केस अब तक कितने केस हो चुके हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस टाइम, अब तक यानी कि 24 तारीख में लगभग 12 बजने वाले हैं, तो ये वीडियो इस टाइम तक रिकॉर्ड होगा, इस टाइम तक का अपडेट बता रहा हूँ आपको। तो 409,051 केसेस आ चुके हैं अब तक, और इसमें जो डेथ हुई है वो 18,262 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। और जो रिकवर करे गए हैं, अर्थात जिनका इलाज करने के बाद या उनके इम्यूनिटी सिस्टम में इतनी पावर थी या उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वो बच गए हैं इस बीमारी से, यानी कि उनको कोरोना वायरस हुआ, बाद पहले वो पॉजिटिव पाए गए और बाद में वे
ट्रीटमेंट के बाद निगेटिव पाए गए हैं, यानी कि स्वस्थ हो चुके हैं। तो ऐसे भी हैं 1,07,073 व्यक्ति। तो ये सिस्टम यहाँ इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं बता सकता हूँ कि कंट्री वाइज की क्या स्थिति है। तो चाइना में सबसे ऊपर अभी तक तो बने हुए हैं ये 81,000 लगभग, इसमें जो टोटल केस हो चुके हैं, और 78 आज के केस हैं इनके, आज के टोटल वन डे के न्यू केसेज जो आए हैं, और लगभग 3,277 लोग मर चुके हैं। ऐसी स्थिति दूसरे नंबर पर इटली की है, फिर यूएसए है, स्पेन है, जर्मनी, ईरान और फ्रांस, स्विट्जरलैंड, धीरे धीरे सभी के। भारत इस कंडीशन में भी पाकिस्तान से तो पीछे ही है, मगर अगर भारत इस तरीके का, अब जो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे वर्तमान सरकार द्वारा इतने कदम उठाए जा रहे हैं, ये कदम ना उठाए गए होते तो हो सकता है भारत बहुत ऊपर पहुंच जाता। अभी भारत के जो है अब तक की सूचना के अनुसार 519 केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें आज जो नए केस थे 20 नए केस आए हैं और 10 डेथ हुई। आज कोई भी मृत्यु नहीं हुई, नई मृत्यु आज कोई भी नहीं हुई, न्यू डेथ नहीं है, टोटल 10 मृत्यु अभी तक हुई है। आपको बताना है पहले नंबर जो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था जो कोरोना वायरस के कारण भारत में मरा गया है, यह आपके लिए प्रश्न है। देखिए और भी इसमें कंट्री हैं, उनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, इस जो जहाँ लाइव अपडेट मिलता है इसका लिंक मैं आपको वेबसाइट की उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से भी डेली चेक कर सकते हैं। देखिए इस समय बहुत ज़्यादा विकट समस्या चल रही है भारत में और भी देशों में, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने जो सरकार के गाइडलाइंस उस पर फॉलो करें, जितने भी आप लॉकडाउन हुआ है आप अपने घर पर बने रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, और जितने भी जो प्रोकेशन के लिए जितनी भी सावधानी बरत सकते हैं आप बरत लें, और अपने के लिए भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें, और घर बैठकर आप अपना समय व्यतीत करें, अच्छी चीज़ें देखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये और भी सारे कार्य हैं जो कर सकते हैं। वीडियो लंबा रहा है, मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं और यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं शिक्षा प्रद, हमारी जितनी भी वीडियो होती है वो सब एजुकेशन रिलेटेड होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्रोत्साहन देंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे, और जो नई वीडियो होंगी उनकी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MS Knowledge।